हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गौमूत्र जो कि एक बहुत बड़ी महाऔषधि होती है इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। समझिए कि गौमूत्र का वात रोग यानी घुटनों के दर्द, साटिका यानी संधिवात, अर्थराइटिस में कैसे यूज किया जाता है। गौमूत्र को हम लोग जो है, अगर मान ली किसी को वात रोग की समस्या है तो उसमें आप महायोगराज गुग्गुल ले लीजिए और आधा कप गौमूत्र ले लीजिए। शुद्ध गौमूत्र चाहे पतंजलि का ले लीजिए, चाहे किसी IMC कंपनी, बहुत सारी कंपनियों की आती है, अच्छी कंपनी का आप ले लीजिए गौमूत्र। आधा कप गौमूत्र ले लीजिए और एक टेबलेट जो है महायोगराज गुग्गुल का, उसको पीस के उसी गौमूत्र में डाल दीजिए, आधे कप गौमूत्र में, और सुबह खाली पेट। और यही प्रक्रिया आप शाम रात को भी खाना खाने के बाद दोहराइए। मैं फिर से बता दूं, आधा कप गौमूत्र होना चाहिए, एक टेबलेट जो है महायोगराज गुग्गुल, ये जो है बैद्यनाथ कंपनी बनाती है, इसकी एक टेबलेट ले लीजिए, उसको पीस के आधे कप गौमूत्र में आप डाल दीजिए और उसको सुबह खाली पेट और रात में खाना खाने के बाद आप इस्तेमाल कीजिए। देखिए, किसी भी प्रकार का साइटिका, गठिया, अर्थराइटिस, यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ होना, सब कुछ एक ही जो है 15 से 20 दिनों के अंदर परमानेंट इलाज कर देता है। ऐसे अगर मान लिया कोई शुगर या डायबिटीज़ से बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप जो है चंद्र प्रभावटी स्वर्ण युक्त आती है बैद्यनाथ कंपनी की, ये ले आइए, एक एक टेबलेट सुबह शाम खाली पेट आधे कप गौमूत्र में पीस के डाल दीजिए और उसको सुबह शाम आप लीजिए। देखिए, 15 से 20 दिनों में जो है आपका डायबिटीज, चाहे उससे ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, घट रहा हो, फ्लक्चुएट हो रहा हो, ये भी एकदम अच्छे तरीके से आपका क्या करेगा, ये मेंटेन कर देगा। पर फिर से मैं बता दूं, जो है आपको चंद्र प्रभावटी स्वर्ण युक्त लेके आना है और उसको आधे कप गौमूत्र में पीस के जो है सुबह खाली पेट और रात में खाना खाने के बाद आपको इस्तेमाल में लेके आना है। अगर मान लिया किसी को कब्ज की शिकायत है, बहुत ज़्यादा कब्ज मन रहा है, तो आप आधा कप गौमूत्र ले लीजिए, एक ढक्कन रेड़ी का तेल, अरंड का तेल जो दुकानों पे मिल जाता है, मेडिकल स्टोर पे रेड़ी का तेल, और त्रिफला का पाउडर उसी गौमूत्र में मिला के, यानी एक चम्मच त्रिफला का पाउडर, एक ढक्कन जो है रेड़ी का तेल, आधा कप गौमूत्र, इसमें मिला के आप सुबह शाम देखिए गर्म पानी उसमें इस्तेमाल कीजिए लगातार। उसी गौमूत्र से आप ठंडे से ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके इंटेस्टाइन में जमे हुए जितने जो हैं अवशिष्ट पदार्थ हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, सभी जो अच्छे तरीके से बाहर निकल जाएंगे और कब्जियत की शिकायत परमानेंट हमेशा के लिए जो है ये खत्म हो जाएगी। अगर मान लिया कोई पीलिया से बहुत ज़्यादा पीड़ित है या उसके शरीर में सूजन हो गया है, लीवर नहीं काम कर रहा है, तो एक जो है बैद्यनाथ कंपनी की दवा आती है पुनर्नवा मंडूर, उसकी दो गोली सुबह दो गोली शाम, आधा कप गौमूत्र में पीस के डाल के और उसको खाली पेट सुबह और रात में खाना खाने के बाद लगातार इस्तेमाल करना है। पुनर्नवा मंडूर जो कि बैद्यनाथ कंपनी बनाती है, इसकी दो गोली सुबह खाली पेट आधे कप गौमूत्र में डाल के आपको लेनी है और रात में खाना खाने के बाद। इससे पीलिया या शरीर में अगर पानी भर गया है, सूजन की समस्या आ गई है, तब भी ये जो है कम्प्लीटली जो है रिलीफ दे देता है, परमानेंट रिलीफ देता है, क्योंकि अंग्रेजी दवाएँ रिलीफ नहीं दे पाती हैं, बस थोड़ी सी काम करती हैं, कहीं अच्छा काम कर रही हैं तो कहीं उस बीमारी को बढ़ा रही हैं। ऐसे अगर आप किसी को बवासीर की शिकायत है, चाहे वो खूनी बवासीर हो चाहे वादी बवासीर हो, पूरा वीडियो देख लीजिए, बहुत ही अच्छी जानकारी है, चाहे खूनी बवासीर हो या वादी बवासीर हो, उस केस में गौमूत्र आप ले लीजिए और जो है मेडिकल स्टोर पर जाके बोलेंगे आप अंसारी के दुकान में कलमी सोरा एक पाउडर आता है, कलमी सोरा, फिर से नाम बता दे रहा हूँ, कलमी सोरा नाम का एक पाउडर आता है, उसको ले लीजिए और गौमूत्र ले लीजिए। उसको जो है बहुत थोड़ी सी मात्रा, चुटकी सी मात्रा, उसी आधे कप गौमूत्र में डाल के सुबह शाम पीजिए। देखिए, खूनी बवासीर हो या वादी बवासीर हो, ये हमेशा के लिए जो है ये आपको रिलीफ दे देता है। उसके जो गांठ होते हैं धीरे धीरे कट के खुद ही सूख जाते हैं उसी में। अगर बॉडी में सूजन हो गया हो किसी को, उस केस में जो है बैद्यनाथ कंपनी या डाबर कंपनी की एक आती है वृद्धवाधिका वटी, उसको एक टेबलेट सुबह एक टेबलेट शाम गौमूत्र में ही जो है डाल के खाली पेट सुबह और रात के समय इस्तेमाल करना है। तो जो है ये आपके पैरों में जो सूजन आती है, पानी भर जाता है या बॉडी में स्वेलिंग सी आ जाती है, लीवर नहीं काम करता, तो ऐसे केस में ये बहुत ही लाभदायक है। मैं फिर से बता दूँ, वृद्धवाधिका वटी और गौमूत्र को लेकर सुबह शाम एक एक टेबलेट उसी में पीस के इस्तेमाल करना है। अगर हाथी पाँव, जिसको फाइलेरिया की समस्या हो जा रही है, उसके केस में आप जो है गौमूत्र ले लीजिए और उसी बैद्यनाथ कंपनी की नित्यानंद रस आता है, उसको एक टेबलेट ले लीजिए और साथ में हल्दी ले लीजिए, थोड़ा सा, बहुत चुटकी सा हल्दी, वो सुबह खाली पेट और रात में खाने के बाद
ये सब उसी में मिक्स करके आधे कप पानी, आधे कप गौमूत्र में हल्दी थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और नित्यानंद रस की एक गोली पीस के उसी में मिक्स कर लीजिए। सुबह खाली पेट इस्तेमाल कीजिए और रात में जो है खाना खाने के बाद इस्तेमाल कीजिए। देखिए आपके जो है फाइलेरिया की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको दूसरों को भी शेयर करें और मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।